हमने सबसे पहले इसका कलर पूरी तरह से कस्टमाइज किया है। आप देख सकते हैं ये पहले व्हाइट कलर में हुआ करती थी गाड़ी, जो हमने पूरी तरह से चेंज कर दिया है। आरसी में भी ये चेंज हुआ है, मेंशन्ड हुआ है। कुछ स्टेट्स ये चीज लीगल करती है, कुछ स्टेट लीगल नहीं करती है। तो हमने इसमें किया, जो सबसे पहले काम किया है वो इसमें आप ये कस्टमाइज बम्पर देख सकते हैं पूरा। ये हमने फाइबर से बनवाया, उसके नीचे हमने पूरा एक स्प्लिटर किट लगवाई है, ये भी आप देख सकते हैं। और साथ में ही हमने फॉग लैम्प जो है वो जेन्युइन रखे हैं, कंपनी से जो आते हैं। लेकिन इसका फॉग लैम्प कवर आप देख सकते हो ना, थोड़ा सा गंदी है गाड़ी, तो ये अब बारिश की वजह से गंदी है, तो इसे इग्नोर कीजिए। इसका हमने फॉग लैम्प का कवर पूरा ग्लॉसी ब्लैक में किया है। साथ में आप देख सकते हैं हमने इसमें मैश ग्रिल का काम किया है, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसमें एक काम रहता है, वो है इसका लोगो, जो अभी मैं इसके कलर के ऊपर थीम सोच के इसका नाम रखूँगा। और ये कलर है मिडनाइट पर्पल। और साथ में ये हमने इसमें किया है हेडलाइट को कस्टम थोड़ा सा। इसमें आप अंदर देख सकते हैं ये पूरा एक DRL पैच है, जो मैं ऑन करके आपको दिखाऊंगा। साथ में ही हमने इसको पूरा स्मोक करवाया है, आप देख सकते हो हमने इसे स्मोक कराया। और इसके ऊपर हमने पूरा एक ग्लॉसी ब्लैक टिंट करवाया है, जिससे थोड़ा इसका लुक आप देख सकते हो थोड़ा एग्रेसिव आता है। और साथ में हम दूसरी साइड को जाएंगे, आप बम्पर में देख सकते हैं ये फिंग्स लगी है, और ये आपको अमेजोन पे अराउंड 2000 या 1500 रुपीज़ की मिल जाएगी। 4 पीसीज होते हैं इसमें। तो जो ये फाइबर का बम्पर बनाया है, ये भाई शॉकिंग से बनाया है हमने, ये स्प्लिटर भी वहीं पे ही बनाया है पूरा। तो इसका कॉस्टिंग अराउंड हमें 12,000 रुपये आ गए थे, फ्रंट और बैक दोनों बम्पर के। लेकिन इसमें भी अलग अलग पोजीशन होती है, मुझे इसलिए कॉस्ट कम पड़ी क्योंकि मैंने खाली इसका ये जो आप देख सकते हो नीचे वाला पार्ट यही हमने किया है। और इस साइड को भी आप देख सकते हैं शार्क फिन्स, जो फिन्स लगी है ये एरोडाइनमिक थोड़ा लुक देती है गाड़ी को। तो नेक्स्ट टाइम शायद मैं ये अगले कुछ टाइम आने वाले टाइम में फाइबर से ही बनाऊंगा पूरा बम्पर, जो है अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी है। वो धीरे धीरे इस व्लॉग हम मेरे साथ चैनल पे बने रहोगे तो वो आपको मैं बताता रहूँगा कि मैं क्या क्या अपग्रेड्स कर रहा हूँ इस गाड़ी में। और साइड प्रोफाइल में बात करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं भाई इसके अलॉय व्हील्स, ये भाई इसका कवर कहीं गुम हो गया है, क्योंकि मुझे अब इस अलॉय को काफ़ी टाइम हो गया है, 3 साल हो गए हैं लगभग शायद से, मुझे अब पूरा याद भी नहीं है इस टायर को मुझे 3 साल हुए या ज़्यादा हो गया है। तो जो ये टायर आप देख सकते हो इसमें 175/60R13 इंच का अलॉय है, प्लस 13 इंच का टायर है। साथ में इसकी जो प्रोफाइल है वो 60 है, और जो इसका चौड़ाई है भाई वो पूरा 175, इस तरह से काउंट करते हैं इसको। और साथ में आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं बम्पर लॉक्स, ये एक्चुअली थोड़े स्पोर्ट भी बोल सकते हैं, इसका स्पोर्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और साथ में ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने पूरा वर्किंग किया है, इसमें नट बोल्ट्स पूरे इंस्टॉल किए हैं ताकि ये वर्किंग में रहे, नहीं तो एक्चुअली इसको डबल टेप से इंस्टॉल करते हैं। और साथ में ही आप यहाँ देख सकते हैं हमने इसका इंडिकेटर भी भाई चेंज किया है, ये पूरा मैट ब्लैक में आता है, तो हमने इसे बॉडी कलर में ही पेंट किया है। और ये 3 फंक्शन करता है, इंडिकेटर प्लस डोर ओपन पे और पार्किंग पे, तीनों वर्किंग करता है। और साथ में आप देख सकते हैं हमने साइड में इसके मिरर को भी थोड़ा बोल सकते हैं इसको हमने एक बैटमैन लुक दिया है, जिसका फ्रंट से ना लुक बहुत अच्छा आता है, अगर दोनों मिरर्स को देखो ना तो इसका लुक बहुत प्यारा आता है।
और साथ ही साथ हम साइड प्रोफाइल में और बात करते हैं। साइड प्रोफाइल में आप ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते, हमने इसमें इंस्टॉल की है भाई साइड स्कर्टिंग, ये आप देख सकते हो हमने ये साइड स्कर्टिंग इंस्टॉल की है। ये पूरी फाइबर से बनी है और इसके नीचे हमने समुराई लिप लगाई है जो नॉर्मली अमेजोन पे मिल जाती है आपको, और मैंने ये केरला से मंगवाई थी तो इसका मुझे 6500 प्राइस पड़ा था। और ये साथ में ये जो साइड मिरर है ये 3500 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको। ये आपको कवर भी मिलता है और इस तरह से पूरा का पूरा इंस्टॉल भी मिल जाता है जिस तरह से मैंने लिया है। ये मैंने पूरा फाइबर से वहीं पे बनवाया है। ये आप इसके अलग से स्पेयर शौकीन साफी से वो भी मंगवा सकते हो, कवर्स भी मंगवा सकते हो तो वो भी लगवा सकते हो। तो चलिए साइड में आप यहाँ पे अलॉय का लोगो देख सकते हैं, लाटी का अलॉय है 13 इंच। टायर साइज सेम है आगे भी और पीछे भी, पीछे भी आप वही देख सकते हैं। बम्पर लॉक्स ये भी वर्किंग में है और कुछ लोगोज देख सकते हैं जहाँ पे हमने काम कराया है इस गाड़ी में। बैक साइड में बात करेंगे सबसे पहले रूफटॉप की, तो रूफटॉप में आप ये चीज़ें देख सकते हो। इसे एक्चुअल में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, पर मैं इन्हें शार्क फिन के नाम से बुलाता हूँ भाई। ये शार्क फिन की तरह दिखती है तो इसलिए शार्क फिन। ये मैंने लिया था इंजीनियर सिंह से और इसका पर पीस 100 रुपीज़ कॉस्ट आई थी। ये आप 10 लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो, 6 लगा सकते हो, तो मैंने इसमें 5 ही लगवाए। उसके बाद आप इसमें देख सकते हो ड्रैगन बॉल जेड का एक लोगो, तो मैं यही थीम सोच रहा हूँ गाड़ी में भी यही थीम देता हूँ एक पर्पल लुक में। तो वहीं नीचे बात करेंगे, हमने पिछला बम्पर भी पूरा फाइबर से कस्टम किया है और इसमें एग्जॉस्ट के लिए हमने टिप यूज़ की है। ये नॉर्मल सी टिप है, ये आपको अराउंड 500-600 अकॉर्डिंग जगह के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे शिमला में ये 800 के अकॉर्डिंग है और आप यही टिप चंडीगढ़ में लोगे तो ये 300 रुपये में भी मिल जाएगी। तो ये नॉर्मल टिप है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। साथ में ही इसमें एग्जॉस्ट में हमने लगाया है बोरला, साथ में ही हमने इसकी टेल लाइट को स्मोक कराया है थोड़ा कलर के साथ, हल्का सा मैच हो जाता क्योंकि इस कलर के साथ रेड कुछ ज़्यादा ही हाइलाइटेड लग रहा था। इस साइड को बात करें, इस साइड को भी सारी चीज़ें सेम है तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और साथ में ही अब बूट स्पेस खोल के दिखाते हैं आपको। बूट में हमने रखा है इसमें, आप चेक कर सकते हैं, बूट में लगाया है हमने इसमें सोनी एक्सप्लोर का एक सब वूफर और दूसरा वूफर लगा है भाई हर्ट्ज का। इन दोनों को चलाने के लिए 2 एम्पलीफायर है, एरोनी एक्सप्लोड चलाने के लिए सोनी एक्सप्लोड की एम्पलीफायर है और हर्ट्ज को चलाने के लिए एक हर्ट्ज की एम्पलीफायर है। थोड़ी सी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो जो मैं पॉलिश करने के लिए रखता हूँ गाड़ी में। गाड़ी में भाई बहुत गंदगी हो गई है अंदर, ये इग्नोर कीजिए, ये साफ़ हो जाती है क्योंकि आजकल यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ काफ़ी दूर से, तो इस वजह से इसमें अंदर धूल है, तो ये आप इग्नोर कीजिए इस चीज़ को। और हमने लगाए हैं पाइनियर के 2 स्पीकर और 2 स्पीकर जो है वो इंस्टॉल्ड है फ्रंट डोर में। तो साथ साथ मैं आपको इंटीरियर के बारे में भी बता देता हूँ इस गाड़ी में इंटीरियर में हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो इंटीरियर में सबसे पहले आप देख सकते हो पार्को का स्टेयरिंग व्हील है जिसका लोगो मैंने निकाल दिया है क्योंकि इसमें भी कोई अच्छा लोगो लगाएंगे हम। इसमें कस्टम कलर है जो अब थोड़ा सा निकलने लग गया है, ये बॉडी कलर के साथ ही मैच है। मैं चाहता था कि जब पूरी गाड़ी कलर हो रही है तो ये चीज़ भी बॉडी कलर में ही कलर हो। साथ में एसी वेंट भी आप देख सकते हैं, ये भी मैंने ये क्रोम में, एक्चुअली में क्रोम में होते हैं इस तरह से ऑफ वाइट कलर में होते हैं, तो मैंने ये भी पूरा बॉडी कलर में कलर किया है। साथ ही में आप देख सकते हो इसमें 9 इंच की एंड्रॉयड सिस्टम लगाया, तो ये छोटे मोटे स्टिकर जो निकलने लग गया है ये सब कुछ हट जाएगा। और इसमें गियर नॉब भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली ये कंपनी कौन सी है अब मुझे याद भी नहीं है। आर्मरेस्ट देख सकते हो इसमें, आर्मरेस्ट लगा है। इंटीरियर में ज़्यादा कुछ नहीं है, डैम्पिंग हुई है
गाड़ी में डैम्पिंग हुई है, डोर्स की डैम्पिंग हुई है, डिक्की की डैम्पिंग हो चुकी है, ये मेरे काम एटलीस्ट ख़त्म हो चुके हैं। और मैं बता सक मुझे अब याद भी नहीं है मैंने कौन सी डैम्पिंग यूज़ की है गाड़ी में, तो इंटीरियर में ज़्यादा कुछ नहीं है। इंजन की बात करें तो इंजन में हमने ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन नहीं की है, ना हमने इसमें एयर फिल्टर लगाया, लेकिन इंजन में है थोड़ा जो पार्ट्स ब्लैक थे उसको हमने बॉडी कलर में ही पेंट किया। पेंट जो इसका है वो मिडनाइट पर्पल कलर में है और आरसी में भी यही चीज़ मेंशन्ड है, मिडनाइट पर्पल। तो आप फ्रंट से गाड़ी का लुक देख सकते हो किस तरह से लगती है फ्रंट में। डीआरएल आपको ऑन करके दिखा देता हूँ किस तरह से जलती है मेरी इस गाड़ी में डीआरएल। और डीआरएल का जो कलर है वो भी मैंने एक चूज़ किया है बिल्कुल डिफरेंट। तो ये आप डीआरएल का कलर भी देख सकते हैं, ये येलो कलर में है जो इस गाड़ी के साथ अच्छे से मैच करता है और इससे ना काफ़ी अच्छी लुक आती है। तो आप थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस घटा के देख सकते हो, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है इस गाड़ी के साथ। अब मैं इसे थोड़ा डिफरेंट करूँगा धीरे धीरे, प्लस इसमें अब प्रोजेक्टर का एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें प्रोजेक्टर लगेंगे, आईपीएच फॉग लैंप में आईपीएच के प्रोजेक्टर लगाएंगे या फिर फॉग लैंप में कोई अच्छा सा प्रोजेक्टर लगाएंगे। उसके लिए मुझे शिमला जाना पड़ेगा, मैं ये काम शिमला में कराऊँगा अंडरग्राउंड कस्टम से। साथ में मैं अब इसके बाद इसमें जो काम करूँगा वो है कस्टम टेल लाइट के ऊपर, जो मैं खुद से कस्टम करूँगा। एक्चुअली मैं खुद से ये काम करता हूँ, जैसे डीआरएल डालना या फिर और चीज़ें, सिर्फ खाली प्रोजेक्टर की थोड़ी सेटिंग करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, तो ये मैं बाद में करूँगा, खुद से ही करूँगा। और पीछे से कुछ लुक इस तरह से आती है, तो पीछे से आप देख सकते हो लोअर बनी है पूरी गाड़ी लोअर कस्टम के हिसाब से, कि मेरा फ्रंट जो बम्पर है वो अभी हाफ एक तरह से बोल सकते हो हाफ बिल्ड पे है। ये धीरे धीरे मैं अब इसमें और भी काम करूंगा गाड़ी पे, जैसे मुझे अब अलॉयज व्हील्स भी चेंज करवाना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें मैं इसके बाद करूंगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहे तो आपको पूरे अपडेट मिल जाएंगे मैं गाड़ी में क्या क्या करवाऊँगा, क्या क्या होने वाला है इस गाड़ी पे। ये एक प्रोजेक्ट कार है मेरी, क्योंकि अल्टो एक ऐसा सेगमेंट है जो एक बजट फ्रेंडली कार है, इस पर हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ का फैक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसमें इंजन या वायरिंग छेड़ दूँ तो इसमें ज़्यादा इतना खर्चा नहीं है, उसको वापस से रीबिल्ड कर सकते हैं। तो एक तरह से मेरा कॉन्सेप्ट कार है, इसे मैं धीरे 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 करके बिल्ड करूँगा। हुड इसका कस्टम होगा, फेंडर्स, डोर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अभी माइंड में चल रही है, वो अभी इसमें कस्टम होगी वो चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।